नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के 35 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन और RPF के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वो ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह एक कथन है? तो ये किसका कथन है? ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा एडविन हब्बल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन बी, केपलर ने। अगला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस का। नेक्स्ट है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब लगातार क्रिया चलती रहती है। ओके, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम, ये होता है सूर्य में। ओके, नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो ये बताया था ऑप्शन ए, जेसी बोस। अगला है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। अगला है, स्याही खोसोक्ता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण पर। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने पर आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, गणना पर आधारित। ओके, नेक्स्ट बनता है, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो काम करता है, फैराडे के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेसर जो है, ऑप्शन है, विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन के लिए कार्य करती है। अगला है,
रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है हमारा हाइड्रोजन बम जो होता है आधारित है किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर। अगला है लेंज का नियम है, तो लेंज का क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेंज का नियम है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट है जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, क्या की जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग। अगला है स्टोक्स का नियम संबंधित है, तो स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी द्रव में गिरती हुई गोली में। अगला है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ओम का नियम। अगला है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला है प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये किया है ऑप्शन डी डार्विन ने। नेक्स्ट है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए ये दिया था हक्सले ने। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? ऑप्शन सी हारुग्रे ने दिया था। अगला है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो ये बनाया था ऑप्शन सी डार्विन ने। अगला क्वेश्चन बनता है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दिया था बीडल बा टैटम ने। नेक्स्ट है आनुवंशिकता के जनक हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है पुरुष जीन संगठन होता है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा एक्स वाई। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं यस या नो का, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका अगला पार्ट प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।